वो करने की जरूरत, ये मैं ऐसी ऐसी बातें मैं बोलता ही, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, क्या मतलब यार, ये कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहती है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा बाप क्या यूं रोता फिरता था इधर उधर, क्या मतलब है यार, मेरे कोई भाई बहन भाई बहन नहीं, कोई मतलब ये? ये सबसे बड़ा झूठ यही बोला जा रहा। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, बहुत छोटा सा सिद्धांत है सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, हमारे सर बैठे हुए प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं गजल के, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, हालांकि सारे मुकेश भाई मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, सर लेक्चरर हैं, रमेश जी बैरागी जी ये भी लेक्चरर, ये भी लेक्चरर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, खाली मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या बात क्या, मैं इसलिए पढ़ा लिखा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तो आपने क्या कर लिया। अरे वाह भाई, आपने क्या कर लिया, आप भी कर तो वही रहे जो मैं कर रहा हूँ, और कई बार आपसे अच्छा कर लेता हूँ, क्या मतलब रहा। ज्यादा पढ़े लिखे कोई जरूरत नहीं इस दुनिया में, आदमी को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मनोज भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, विजय भाई जरूरी नहीं आदमी का पढ़ा लिखा, आदमी शिक्षित हो, मुकेश भाई आदमी का शिक्षित होना जरूरी नहीं है, शिक्षित हो अच्छी बात है, परंतु शिक्षित के साथ साथ में आदमी का दीक्षित होना भी जरूरी है। क्या बात है, वाह जानी भैया वाह, जिंदाबाद। और आदमी का दीक्षित होना इसीलिए दीक्षा महोत्सव जैसे बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए लोग क्या यूं बिगाड़ रहे हैं मेरे भाई। धरती का जिसने बनाया बिछोना, अंबर को जिसने ओढ़ा, आदमी का दीक्षित के साथ शिक्षित के साथ दीक्षित होना क्यों जरूरी है। धरती का जिसने बनाया बिछोना, अंबर को जिसने ओढ़ा, दशो दिशाएं बीच जिसने आवरण, सुनिएगा मैं कविता सुना रहा हूं आपको, मुझे एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है, शेर बहुत अच्छा, जरा एक बार ताली बजाइए। बस वो शेर ये है कि मैं उसको जरा भूल गया हूं, परंतु शेर अच्छा था ये। एक कविता सुनिएगा आप, नई कविता मेरी इन दिनों की, बहुत प्यारी कविता है, अच्छी कविता लिखी है मैंने, आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना होगा, YouTube वगैरह पे आप अक्सर सुनते रहते हैं। YouTube पे सुनने में और यहाँ पे सुनने में फर्क क्या पता है आपको, मुकेश भाई भी कहते हैं, बोले यार ये बंद कर देना भैया इसको रिकॉर्ड, नौकार चैनल से है क्या दिल्ली से, ये जीसी भी से आप इसकी हमारी रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि यूट्यूब पर लोग सुन लेते हैं। मुकेश भाई ने भी कहा यार, बोले यार जानी भाई इतने सारे डाल रखे हैं यूट्यूब पर कि आदमी जब जाता है कभी, इसके पहले पेम्पलेट बैनर में नाम देख लेता, बोले कौन कौन कभी आ रहा है, मुकेश मोलवा आ रहा है, सटाक से सर्च करेगा मुकेश, अब उस दिन भर मुकेश मोलवा कोई सुन रहा है, पर इतना अपने को बिल्कुल भी मुकेश भाई लोड नहीं लेना है, यूट्यूब पे सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पे आदमी सुन करके हंस सकता है, ताली नहीं बजा सकता अकेला घर में, ताली नहीं बजाएंगे। क्या बड़ी बात है ना, तो पर बाकी फिर भी ये मत बनाना कैसेट, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोल हम रहे हैं और पैसा साले कैसेट बनाने वाले ले रहे हैं यार हमारा नाम पे, तो सारी नाटक की बातें भोगटी, बे तो ऐसी बेबैरागी आदमी, देखो मेरे को तो क्या है कि हमारे जो पिताजी थे, आप जानते होंगे मेरे पिताजी को, नहीं जानते हो तो भी आप हाँ कर लो, ताकि अपनी कौमी एकता बनी रहे कि एक बैरागी दूसरे बैरागी को जानता है। और हालांकि आपके नहीं जानने का रोल ही नहीं, मेरे पिताजी 20 साल पहले ही चले गए इस दुनिया से, मेरे मंदिर की पूजा करते थे वो सर, है ना, मंदिर की पूजा इसलिए करते थे कि पढ़े लिखे नहीं थे तो पूजा करते थे। सामान्य सी बात है, इसमें हंसने की जरूरत नहीं, मंदिर की पूजा करना है हमें फायदा है मेरे भाई। तो एक बार मेरे पिताजी जा रहे, हाथ में बाल्टी थी आटे की, गांव में आटा मांग करके जीवन व्यापन करते थे, कॉन्फिडेंस का नाम ही सब पूछे मेरे दोस्त, तो किसी आदमी ने उनको एक कटोरी खीर दे दी, बोले पंडित जी खीर ले लो। अब पिताजी बड़ा खुश हुए, बोले आज तो खीर खाने को मिलेगी यार। अब वो दे एक हाथ में कटोरी और एक हाथ में वो बाल्टी, और वो गए और एक चबूतरे के ऊपर उन्होंने रख दी, और जनोई निकाली उन्होंने, जनोई चढ़ाई और उनको थोड़ी प्रॉब्लम, वो चले गए उधर। अब वो जैसे ही जनोई अंदर गए बाथरूम में, तब तक एक कुत्ता आ गया और उस कुत्ते ने वो खीर झूठी कर दी। अब हमारे पिताजी आए, हमने उन्होंने जैसे ही कटोरी उठाई तो हमारी दादी जी ने ये सारी बातें देख ली, उन्होंने कहा बोले खीर को हाथ मत लगाना, बोले क्यों, बोले इसको झूठी कर दी, बोले किसने झूठी कर दी, बोले कुत्ते ने, बोले कौन सा कुत्ता, बोले काला कुत्ता। अब अपना कॉन्फिडेंस ये था कि अपने वो खीर खाना है, बोले कौन सा कुत्ता, बोले काला कुत्ता। पिताजी ने कहा बोले काला कुत्ता सदा उत्तम।
भाई वो खीर ही खाना है नहीं तो क्या मतलब कुत्ते से, कुत्ता कोई सा भी हो, बोले काला कुत्ता सदा उत्तम। दादी जी ने कहा, बोले कुत्ता सफेद था, बोले सफेद कुत्ता और भी ज्यादा उत्तम। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले आज तो देश काल में सफेद कुत्ते ज्यादा उत्तम चल रहे हैं, कालों के तो बेचारों की बखत ही नहीं, सफेद वालों की ज्यादा बखत चल रही है देश के अंदर। ये बात ये नहीं है, बात ये इस देश के अंदर जो जिसके पास में जितना काम है इतना बता रहे हैं। हमारे भाई बता रहे थे, बोले पॉलिटिक्स में ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, 130 करोड़ लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है सर, पूरा डिसीजन ईमानदारी से लिया गया है। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, अब उस चाय बेचने वाले ने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं, ये लोगों के टांके गलत आ गए और कुछ नहीं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। भाई ये लाल बहादुर शास्त्री जी, विपक्ष के पास में कोई जवाब नहीं है, और भाई सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वाह भाई, वाह भाई, वाह, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे इतने समझदार हो गए कि उन्हें मालूम है कि टांके कहाँ लिए जाते हैं। टांके के बारे में अगर बच्चे समझ रहे हैं तो निश्चित समझ रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये मेरी माता बहनें बैठी है। मैं आपसे एक दावे से कह रहा हूं कि अगर दो माता बहनों को एक अंधेरी कोठरी में एक कमरे में बंद कर दो साल भर के लिए, साल भर तक उन दोनों को उस कमरे में बंद रखो, बाहर से ताला लगा लो, साल भर बाद अगर वो दोनों बाहर निकलेगी तो निकलते से ही पहली बात यही कहेगी, बोले अब जीजी अपन शाम के कराना सारी बात। साल भर के बाद भी उनकी बातें बाकी रह गई, बोले अब शाम को ही करेंगे मोबाइल पे बात, और बात का कोई सब्जेक्ट नहीं। हिंदुस्तान की माता बहनों का जितना कॉन्फिडेंस है दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। कोई बात का मतलब ही नहीं, बात सामान्य सी बात में दिन भर निकाल दे। क्यों तुम्हारे कितनी देरानी, बोले मेरी 4 देरानी। देवर कितने तुम्हारे, समझे कैसे सड़ी सड़ बात, जब देरानी 4 तो देवर भी 4, इसमें कौन सी नहीं बात। तुम्हारे जेठानी ससुराल कहाँ है, तुम्हारे जेठानी के पियर कहाँ, बोले बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा की पोरवाल है को ओसवाल, बोले को तेरा पंथी, बोले कितने छोरे जेठानी के, बोले एक छोरी और एक छोरा, ऑपरेशन करा लिया बड़ा। कोई मतलब नहीं उस बात से, खाली टाइम पास करना, और ये टाइम पास हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही होता है। अभी पिछले दिनों विपक्ष ने कहा, बोले यार मोदी जी जब देखो तब विदेश में घूम रहे, जब देखो तब विदेश में घूम रहे। अब उन लोगों को ये पता ही नहीं कि अगला आदमी देश में भी क्या करे, भाई अगले की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, वो जाए वहीं से अपना काम कर रहा। परंतु वो तो आप बहुत बड़े अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कभी शास्त्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, ये हिंदुस्तान उन जवानों का है, ये हिंदुस्तान उन किसानों का है मेरे दोस्त। और अगर ये किसान अपने खेत में बहुत महत्वपूर्ण और कीमती फसल बोना चाहता है तो उस खेत के चारों तरफ एक मजबूत बागड़ पहले लगाएगा। अगले आदमी को मालूम था कि काम बड़ा करना है तो पूरी दुनिया में घूम घूम के अगले आदमी ने बस बागड़ी तो लगा रहा था वो। और ये जब पुलवामा में अटैक हुआ तब जाकर के 22 राष्ट्र हमारे साथ में खड़े हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे यार, हमारी जड़ें बहुत गहरी है मेरे भाई, हमारी जड़ें इतनी कमजोर नहीं है। ये मेरी माता बहने बैठी है, परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारी शक्ति की सही जगह नहीं लग रही है। हम कहाँ हमारी ताकत को लगा रहे हैं। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना, किसी को नहीं बताना। खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन ऑलरेडी खड़े खड़े खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए। और जनाना यानी भारतीय नारियां रैंप पे चल रही है प्रदर्शन, विश्व सुंदरी देह प्रदर्शन, कि मैं तेरे से ज्यादा सुंदर। आरुषि जी ये बता रही है भारतीय नारी कि मैं तेरे से ज्यादा सुंदर। स्थिति देश में जैन साहब ये हो गई कि अगर आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसको ये बताना है कि मैं पैसे वाला हूं, इस बात के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या दिन है, वाह। मैं पैसे वाला हूँ इस बात को बताने के लिए भी उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस दीवार पे विज्ञापन नहीं लिखना है, ये बात कहने के लिए भी दीवार पे विज्ञापन लिखना पड़ेगा कि यहाँ लिखना मना है।
ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। विश्व सुंदरी ऐसे ही बन गई क्या? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पर कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो? तुम तो सिर्फ विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोंदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। विशेष कोई ये कोई बात होता रहता है, सामान्य सी बात है, ऐसा होता है। मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था तो ऐसा ही होता था। इस उम्र में ऐसा होता है, सामान्य सी बातें, जी घबराना, खट्टी खट्टी डकार आना, मुंह में पानी आना, खट्टी खट्टी डकार आना, जी घबराना, ये सब होता है, पेट दर्द होना, ये सब आप अच्छे डॉक्टर को बताओ। सामान्य सी बात है, ये सब होता रहता है। आइए एक दो मिनट की छोटी सी कविता मैं सुना देता हूँ, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। भाई इस देश के अंदर आतंकवादी हमें बम से डरा रहा है, हमको बम से डरा रहा है, उन बेवकूफों को ये पता नहीं। और हम भी इस बात का इतना लोड ले रहे, बोले बम फट गए, जयपुर में बम फटा था, बेंगलोर में फटा, अब तो हालांकि कहीं फट ही नहीं रहे, पर उन आतंकवादियों को ये मालूम ही नहीं कि लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे ही नहीं रहे अब तो। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई, और हमको वो बम वाले हमें डराएंगे, आतंकवादी बम से? किसको बम से डरा रहे हैं भाई? मरने के लिए हमें डरा रहे, मरने के नाम पे हमें डराया जा रहा है, जिसको मरने की प्रैक्टिस है। सैकड़ों साल पहले ये हमें दे के चले गए कि मरना क्या है, मरना क्या होता है, ये तो उन 24 तीर्थंकरों ने हमें पहले ही सिखा दिया कि मरना क्या होता है, उसको 2 कोड़ी के आतंकवाद, अब हमें मरने के नाम पे डरा रहे। उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि वो किस राष्ट्र को बम से डरा रहे हैं। धन्य धन्य धरा, जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा, जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और ही नहीं नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे, और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर, जिस देश में एक चेतक घोड़ा कर प्राणों की आहुति दे दे। जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए आपके। क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद। रोंगटे खड़े हो गए। अभी अगर मान लो ये बात चेतक घोड़े को मालूम पड़ जाए कि मेरे मरने की पंक्ति पे पारसोला में दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाई, तो उसकी आत्मा को कितना दुख होगा कि भाई मैं तो मर गया और ये ताली बजा रहे हैं। अपने को यही मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं आपके बीच में समय का दान देता हूँ, मेरा समय निकाल करके मेरे प्यारे दोस्त मुकेश मोलवा जी को बहुत दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा, काफ़ी व्यस्त मैं तो बहुत। ये हमारे देश के तमाम बड़े कवि मनोज गुजर साहब लाफ्टर चैंपियन में भी गए थे, मैं कहीं भी नहीं गया, किसी भी चैनल पे नहीं गया, और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी जब आना तो यही है, यहीं आना है, तो मैं फिर कहीं गया ही नहीं। तो हमें इन सारे लोगों, ये पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, दिल्ली बम्बई बेंगलोर हैदराबाद जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं तो राणा जी कहीं भी नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर क्यों रोते फिरें? अपन इधर उधर घूमते फिरे और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को घर पर ही रहना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर पर रहें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारा नुकसान खत्म, कोई समस्या पैदा नहीं होगी, बस आदमी घर पे रहना सीख ले, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त के, सुनिएगा कि मैंने ये कहा है कि वो जाहिल हैं, आहा जोर से बोल लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, खाली बोलना तो इतना ही है ना। चाबी काहे की, गाड़ी की, बाइक की? बाइक की चाबी दे दो, वो उधर। अब चाबी वहां और आप यहाँ मांग रहे हो, क्या मतलब था? ये गलतियां हो रही है हमारे,
कि डैडी वाला जाने क्या कर रहा और मूछ वाला पकड़ाया रहा है, क्या मतलब है? चाबी उधर और आप इधर मांग रहे हो, जबकि इधर इनकी ये चाबी जैसा काम ये करते ही नहीं है। इनको चाबी से कोई मतलब ही नहीं। हम विश्व गुरु हैं जैन साहब, हम विश्व गुरु हैं। ये जो फैसला आया ना आज, और सारे नेटवर्क टावर वगैरह सब बंद कर दिए, ये वो बोले, ये बोले सबको व्यवस्थित रहना है, ऐसा कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, सरकारी करा रहे लोग की छुट्टी हो गई, आचार संहिता लगी हुई है, फलाना ढिमका। हम बहुत संस्कारित लोग हैं। ये फैसला जो आज आया, ये फैसला तो जबरदस्ती का केस लगा रहा था कोर्ट में, कोई मतलब ही नहीं। आप जब जैन है तो जैन है, इसमें 5 वकील कर लो, क्या कर लेंगे 5 वकील? ऑलरेडी आप जैन है, मतलब जैन है तो भगवान राम की अयोध्या, भगवान राम का मंदिर पहले से ही बनना था, जबरदस्ती के नाटक थे, कोई मतलब ही नहीं था। जबरदस्ती क्या कर रखी थी, वो तो ऐसा होना ही नहीं था उसमें, जबरदस्ती सामान्य सी बात है। ये हिंदू मुसलमान सारी फोगट की बातें हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राणा साहब के उपस्थिति में कह रहा हूँ, आप पुराने टाइम के लोग हैं। आपने एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, आपने देखी होगी, उसमें 3 कलाकार थे, आपके टाइम पे की बात है, बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें 3 कलाकार थे सर, एक अमिताभ बच्चन थे, एक ऋषि कपूर थे, एक विनोद खन्ना थे। उसमें एक हिंदू है, अमर हिंदू है, अकबर मुस्लिम है, एंथोनी क्रिश्चियन है, और इन तीनों का जो बाप था प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब आप समझो कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या जो भी हो, बाप तो सबका एक ही, और उसका नाम किशन लाल है। जब बाप ही ऑलरेडी एक है तो इतनी माथापोटी करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। पता है मुट्ठी भर राख में तब्दील होना, क्या बढ़िया रमेश जी ने कहा है कि पता है मुट्ठी भर राख में तब्दील होना है, तो फिर भी लोग क्या सलीके से सजा के लकड़ियां रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बैरागी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इन दर्शन के सौभाग्य दिए, और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।